हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2, होल नंबर पूर्ण संख्याएं। बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपको दो नंबर दिए हैं, आपसे कहा है कौन सा नंबर दूसरे नंबर के लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो सिंपल बात है बेटा, यदि आप नंबर लाइन पे देखोगे तो नंबर लाइन क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होती है। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूँ 2 नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे नियरेस्ट मैडम 1 है। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आया होगा, लेफ्ट हैंड पे यदि कोई नंबर होगा तो वह क्या होगा, छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों में छोटा कौन सा है, 503 बेटा छोटा है 530 से, है ना छोटा। इसका मतलब ये कहाँ होगा, ये होगा बेटा इससे लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, अब बेटा कौन ग्रेटर है, लेस है, ये हमें पता करना है। सबसे पहले मैं दोनों नंबर लिख लेती हूँ। अब आप बताइए इन दोनों में छोटा बेटा ये है, जो छोटा है बेटा उसकी तरफ हमेशा डॉट आता है, नुकीला पॉइंट आता है, ये साइन होते हैं बच्चों, है ना, ग्रेटर लेस के ये साइन होते हैं। तो जो छोटा नंबर है उस तरफ क्या आता है, ये नुकीला वाला साइन आता है, डॉट वाला साइन। ठीक है, तो ये हो गया, ये डॉट इस तरफ चला गया। खुला हुआ मुंह हमेशा बड़े नंबर की तरफ होता है, तो हमें पता चल गया क्या है बेटा। तो बेटा इनको इस तरह से लिखोगे, ये बताता है कि 530 ग्रेटर है 503 से। अब बेटा आगे देखो, इन दोनों नंबर में से आपसे कहा है कौन सा नंबर दूसरे नंबर के लेफ्ट हैंड है। तो बेटा सबसे पहली बात, जो छोटा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो इन दोनों में छोटा बेटा ये है, तो ये लेफ्ट हैंड पे होगा। ठीक है, नंबर लाइन में। अब बेटा इन दोनों नंबर को लिख लेते हैं। अब बेटा ग्रेटर और लेस का साइन बनाना है, तो बच्चों ये छोटा है तो डॉट किस तरफ बनेगा, छोटे वाले की तरफ बनेगा, तो बच्चों साइन कैसा बना, ये बनेगा। ठीक है, ये क्या बताता है, 370 ग्रेटर है 307 से। अब बच्चों हमें चेक करना है कौन सा नंबर बेटा दूसरे नंबर से लेफ्ट हैंड पे है। तो बेटा जो छोटा नंबर होता है वह दूसरे नंबर से क्या होगा, लेफ्ट हैंड पे होगा। इन दोनों में छोटा बेटा ये है, मतलब ये कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड पे होगा इसके कंपैरिजन में। अब बच्चों इन दोनों में हमें ग्रेटर और लेस का साइन बनाना है। सबसे पहले बेटा दोनों नंबर लिख लेते हैं। अब बच्चों ये छोटा नंबर है तो इस पे डॉट आएगा, इसकी तरफ डॉट आएगा, तो इसकी तरफ डॉट और ये साइन आपने बना दिया। जिस तरफ ये ओपन रहता है, मुंह खुला हुआ रहता है बेटा, वो नंबर हमेशा बड़ा होता है, और जिस तरफ बेटा डॉट आता है वह नंबर छोटा होता है। अब बेटा हम ये चेक करेंगे कि दोनों नंबर में से कौन सा नंबर दूसरे नंबर के कंपैरिजन में लेफ्ट हैंड पे आएगा, जो छोटा होगा वह लेफ्ट हैंड पे आएगा। चलिए देखते हैं ये कितने होंगे, गिन लेते हैं नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है बेटा इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर है। तो बेटा ये नंबर छोटा है ना छोटा, तो कहाँ आएगा बेटा, इस नंबर के कंपैरिजन में लेफ्ट हैंड पे आएगा। और बेटा अब इनके बीच हम साइन बना लेते हैं, तो दोनों नंबर सबसे पहले लिख लेते हैं, लिख लिया। अब बेटा ये छोटा है, जो छोटा है बेटा उसकी तरफ क्या आता है, डॉट आता है, खुला हुआ मुंह
हमेशा बड़े नंबर की तरफ आता है, तो साइन कौन सा बनेगा बेटा, ये। और इस तरह से ये नंबर इस वाले नंबर से क्या है, छोटा है और लेफ्ट हैंड पे है। अब बच्चों हम ट्रू फॉल्स पता करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे क्वेश्चन कहा है जीरो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, ट्रू या फॉल्स बताइए। बेटा शून्य एक प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी ऐसा बोला है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होते हैं, है ना, उसमें तो जीरो होता ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा जीरो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है या नहीं बताइए, तो बेटा स्टार्ट ही नेचुरल नंबर 1 से होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा बेटा, 1 होगा, 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, असत्य है। अब बच्चों इस स्टेटमेंट में कहा है 400 बेटा 399 का प्रीडिसर है या नहीं, पूर्ववर्ती है या नहीं। प्रीडिसेस कैसे निकालते हैं बेटा, इस नंबर में से आप एक घटा दो तो आपको क्या मिल जाता है, प्रीडिसर मिल जाता है, पूर्ववर्ती मिल जाता है। तो बेटा इसका पिछला नंबर कौन सा है, 398 है, जबकि वह कह रहे हैं 400 है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, असत्य है। इस स्टेटमेंट में कहा है जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बेटा जीरो है। तो बच्चों होल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, फिर 1, 2, 3, 4 इस तरह से होते हैं। तो आपको साफ दिख रहा है यस जीरो क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है, सबसे छोटा होल नंबर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू है, सत्य है। अब बच्चों इस स्टेटमेंट में कहा है 599 का सक्सेसर बेटा 600 है। आपसे कहा है 599 का परवर्ती बेटा 600 है, तो सक्सेसर कैसे निकालते हैं बेटा, इस नंबर में आप एक जोड़ दो, कितने हुए बेटा ये 10, ये 0, हासिल गया 1, ये दोनों हो गए 10, ये 0, हासिल गया 1, कितना आया बेटा 600। यही आपसे कहा है कि 599 का सक्सेसर मतलब अगला वाला नंबर क्या है, 600। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है ट्रू है, सत्य है। अब बच्चों आपको इस स्टेटमेंट में कहा है ऑल नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये होते हैं बेटा, और होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो बेटा आप देखिए सभी होल नंबर में बेटा ये नेचुरल नंबर आ गए, ठीक है, जीरो को छोड़ के। तो वही तो उन्होंने आपसे कहा कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सत्य है। अब बच्चों आपको इस स्टेटमेंट में कहा है सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं बेटा प्राकृत संख्याएं होती है, ऐसा कहा। तो बेटा होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, और बेटा नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होता है, ठीक है। तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे क्या, नहीं बेटा, ये जीरो छूट गया, छूट गया जीरो, है ना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, असत्य है। अब बच्चों आपको इस स्टेटमेंट में कहा है टू डिजिट नंबर का यदि आप प्रीडिसर निकालोगे
पूर्ववर्ती निकालोगे तो वह कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब बेटा टू डिजिट नंबर कोई ले लेते हैं, जैसे मैंने 10 लिया, उसका प्रीडिसर निकालते हैं। कैसे निकालोगे? एक घटा के। तो बेटा 10 में से एक घटाए 9 आया। आप ध्यान दीजिए, ये क्या है बेटा? टू डिजिट नंबर। और ये क्या आया बेटा? ये सिंगल डिजिट नंबर आया। तो बेटा टू डिजिट नंबर का यदि प्रीडिसर निकालोगे तो सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है। उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? फॉल्स है, असत्य है। आपको इस क्वेश्चन में कहा है स्मॉलेस्ट होल नंबर बेटा 1 होता है, ऐसा बोला है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बेटा 1 होती है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है चेक करते हैं। बेटा होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से होते हैं। आप देखिए सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? 0 है। लेकिन यहाँ क्या लिखा बेटा? 1 लिखा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, असत्य है। आपको इस क्वेश्चन में कहा है नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रीडिसर नहीं होता। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है बेटा? 1 से होती है। उन्होंने कहा नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रीडिसर नहीं होता। तो देखिए 1 के पीछे बेटा कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये सही है बेटा, ट्रू है। अब बच्चों इस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कहा गया है होल नंबर 1 का कोई प्रीडिसर नहीं होता। बेटा होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से होती है। उन्होंने कहा 1 जो होल नंबर है उसका कोई प्रीडिसर नहीं होता। तो बेटा ये 1 उसका प्रीडिसर मतलब उसके पिछले वाला होल नंबर क्या है? 0 है। इन्होंने कहा प्रीडिसर नहीं होता, लेकिन होता है। कौन सा नंबर होता है बेटा? 0 1 का प्रीडिसर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ बेटा? फॉल्स हुआ, असत्य है। अब बच्चों आपको इस स्टेटमेंट में कहा है 11 और 12 इनके बीच में बेटा 13 होता है। तो ये आप भी जानते हैं नहीं होता, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ बेटा? फॉल्स हुआ, असत्य है। आपको इस स्टेटमेंट में कहा है होल नंबर 0 का कोई प्रीडिसर नहीं होता। तो देख लेते हैं होल नंबर क्या होते हैं बेटा? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होते हैं। बेटा 0 का कोई प्रीडिसर नहीं होता, पीछे इसके कोई होल नंबर नहीं होता। तो देख लो बेटा 0 के पीछे कोई भी होल नंबर नहीं है, इसका मतलब होल नंबर 0 का कोई प्रीडिसर नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ बेटा? ट्रू हुआ, सत्य है। अब बच्चों इस स्टेटमेंट में कहा है टू डिजिट नंबर का सक्सेसर बेटा हमेशा टू डिजिट नंबर ही होता है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। कोई टू डिजिट नंबर 99 दिया बेटा, इसका सक्सेसर निकालते हैं। एक इसमें बेटा जोड़ देते हैं, कितना आया? 100। 99 का सक्सेसर बेटा 100 है। 99 टू डिजिट नंबर है। आप ध्यान दीजिए टू डिजिट नंबर का हमेशा सक्सेसर टू डिजिट नंबर नहीं होता। यहाँ कितना आया बेटा? 3 डिजिट नंबर आया। इसका मतलब ऑलवेज नहीं होता, हमेशा नहीं होता। ये स्टेटमेंट क्या हुआ फिर? फॉल्स हुआ,
असत्य है।